इस वक्त आप इंडिया टीवी पर नॉन स्टॉप कवरेज देख रहे हैं अतीक अहमद का साबरमती से लेकर प्रयागराज की जेल तक का यह सफर, जहां पर इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का यह ऑपरेशन लगातार जारी है। अतीक अहमद का साबरमती जेल यू प्रयागराज सफर जारी है। वहीं अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से नैनी जेल लेकर जाया जा रहा है और थोड़ी देर पहले ही अतीक का काफिला झांसी से रवाना हो चुका है। यूपी एसटीएफ की टीम झांसी की रिजर्व पुलिस लाइन में करीब 1.5 घंटे तक अतीक को लेकर रुकी थी और अब ये जानकारी सामने आई है कि अतीक काफी खौफ में नजर आ रहा था। जो अतीक पहले ये कह रहा था जब वो साबरमती जेल से निकला था कि कोर्ट के कंधे पर हथियार रखकर मेरे मारने की ये साजिश है, और अब जब उसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो कहता है डर काहे का, लेकिन उसके चेहरे पर साफ तौर पर जो खौफ है वो नजर आ रहा है। अतीक को दरअसल हर पल एनकाउंटर का डर सता रहा है। फिलहाल अतीक प्रयागराज के लिए रास्ते में ही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस की टीम अतीक के भाई अशरफ को भी कड़ी सुरक्षा के बीच फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रयागराज की तरफ लेकर बढ़ चुकी है। अशरफ का काफिला इस वक्त शाहजहांपुर पहुंच चुका है। अतीक और अशरफ को प्रयागराज के नैनी जेल में लाया जा रहा है और ये वही नैनी जेल है जहां पर अतीक का बेटा अली अहमद पहले से ही बंद है। डॉन होगा, लेकिन अब डॉन काहे का सवाल ये पूछा जाएगा, क्योंकि जो उसका खौफ का साम्राज्य था, एक एक करके उसकी एक एक ईंट को निकाला जा रहा है, उसको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और इसी कड़ी में अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। उससे पहले नैनी जेल से एक बड़ी खबर आपको दे दें, वहां हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही डीआईजी जेल एके सिंह नैनी जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने बताने से इंकार कर दिया। अतीक अहमद को फिलहाल कहां रखा जाएगा ये साफ नहीं है, लेकिन सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि नैनी जेल पर ही आज अतीक अहमद को रखा जाएगा। कल सुबह करीब 11 बजे कोर्ट में पेशी होगी, जहां पर सजा का ऐलान किया जाएगा। जो फाइनल फैसला है अशरफ और अतीक को लेकर, कल उमेश पाल किडनैपिंग मामले में आना है। जी आपको जानकारी नहीं है तो कहाँ जा रहे हैं? अतीक अहमद कहाँ जा रहे हैं? अभी मेरा वह नहीं है तो सर, यहाँ पर अभी क्या अतीक अशरफ को भी लाया जाएगा? सर अशरफ को भी यहीं लाया जाएगा? सर किसी को नहीं, क्या हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा सर अतीक को? अरे आएगा तब ना रखेंगे, कहाँ जा रहा है अली? तो कहाँ है अली को शिफ्ट कर दिया गया है क्या? अली को शिफ्ट कर दिया गया है सर? सर अली को शिफ्ट कर दिया गया है क्या? क्या यहाँ पे अली को शिफ्ट कर दिया गया है क्या? अतीक अली को नहीं लाया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ अतीक अहमद को नहीं लाया जा रहा है? अली को शिफ्ट कर दिया गया है सर? आप अतीक अहमद को नहीं लाया जा रहा है? अली को शिफ्ट कर दिया गया है क्या? अभी यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? पंकज तुम्हें यहाँ पे किस विषय को लेकर के खास तौर से आप यहाँ पे आए हैं? जब अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज के लिए मूव कर रहा है तो फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कहाँ रखा जाएगा कुछ तो बताएंगे, आप ही बताएंगे। पहली बात सुन लीजिए ध्यान से कि जब कोर्ट के आदेश होंगे तो रखा जाएगा, जब मुझे आदेश मिल जाएंगे तो रखेंगे। तो आपको कोई आदेश नहीं मिला? अभी 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 किसी के द्वारा कोई आदेश नहीं मुझे है। नैनी जेल आएगा? फिर ये तो मैंने कहा तो नैनी जेल आ भी नहीं रहा है और आप ये कह रहे हैं हमें कोई जानकारी भी नहीं मिली है। जब नहीं मिली है तो कैसे कह दे? तो कितनी जल्दी फिर जानकारी मिलकर तैयारी कर पाएंगे? तैयारी किस लिए हो रही है तब? जेल हमेशा तैयार रहती है जी। हाँ। जेल हमेशा तैयार रहती है। स्पेशल तैयारी, स्पेशल तैयारी। जेल प्रशासन के पास जानकारी नहीं आई कि अतीक आएगा यहाँ पर? ये नहीं, हमको नहीं जानकारी अभी है। अभी जानकारी नहीं है? नहीं नहीं। कहाँ लाया जाए तो तैयारी की जा रही है? जेल 4000 आदमियों की तैयारी हमेशा है और जब भी कोई आएगा बंदी तो रखा जाएगा। अभी कोई जानकारी है? नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।